हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंडिया का एक बहुत ही फेवरेट नाश्ता, पोहा। ये पूरे इंडिया में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह खाया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस नाश्ते की, पोहा को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे लिया है पोहा, जिसको मैंने 5 मिनट पहले नॉर्मल पानी से भिगो के रखा हुआ है। छोटे कटोरी का 1 कटोरी रॉ मूंगफली, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज के प्याज मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है, 1 छोटे आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तड़का लगाने के लिए 1 छोटे चम्मच राई, 1 छोटे चम्मच जीरा और 1 छोटे चम्मच चीनी, जो हम बाद में पोहा में मिक्स करेंगे। हल्दी और नमक स्वादानुसार, हल्दी 1/2 छोटी चम्मच ही बहुत है। और इस डिश का स्टार इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता। पहले हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। थोड़ा ही सा तेल लिया है मैंने, आप देख सकते हैं। और उसके बाद जीरा और राई का तड़का लगा देंगे। और जैसे ही जीरा और राई 2-3 सेकंड्स के लिए फ्राई हो जाए, उसमें हम हमारे पतले पतले साइज स्लाइस करके काटा हुआ प्याज डाल देंगे और उसको भी 2-3 सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को जनरली मैं इसे टियर करके डालती हूँ, सो दैट जो इसका फ्लेवर है वो पूरे तरीके से इस डिश में आ जाए। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे जो छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए आलू रखे हुए थे वो, और थोड़े से मूंगफली। अब इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। मैंने इसमें डाल दिया हरी मिर्च, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डालने से ये जो प्याज और आलू है ये बहुत ही जल्दी पक जाएगा। हम फिर से एक बार दोबारा से अच्छे तरीके से मिला लेंगे नमक को सारी चीजों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, और इन सारी चीजों के साथ हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक हल्दी का कच्चा जो स्मेल है वो निकल ना जाए। 2 से 3 मिनट बाद आप देखेंगे हल्दी का कच्चा स्मेल निकल गया है। अब मैं यहाँ पे चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने से पोहे में बहुत ही अच्छा एक खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है, जो मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। दो से तीन मिनट बाद देखेंगे आपके हल्दी का कच्चा स्मेल निकल चुका है और चीनी भी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे हमारे भिगो के रखा हुआ पोहा और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मैं यहाँ पे बीच बीच में थोड़ा सा पानी का छींटा डालूंगी इस पे, ताकि पोहा थोड़ा सा गीला गीला बने। आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो। लीजिए, बन गया हमारा बहुत ही आसान झटपट बनने वाला खट्टा मीठा पोहा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कीजिएगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।